नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। लॉकडाउन 3 चल रहा है, 17 मई के बाद यह खत्म होगा या फिर आगे बढ़ेगा यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान करनाल प्रशासन द्वारा धीरे धीरे करके सभी दुकानदारों को दुकानें खोलने के लिए अनुमति जारी कर दी गई है। दुकानें प्रशासन की शर्तों के अनुसार ही खुलेंगी और सभी दुकानदारों को सरकार के आदेशों की पालना भी करनी होगी। इसी कड़ी में बीते शुक्रवार को करनाल के मिठाई विक्रेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मिला था। करनाल उपायुक्त ने उन्हें शर्तों के अनुसार सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश दिए। 2 बजे के बाद वह होम डिलीवरी करवा सकते हैं। मिठाई की दुकानें लंबे समय तक बंद रही हैं। बंद के दौरान दुकानों के अंदर पड़ी मिठाई का क्या किया गया, उसे बेचा गया या फिर नष्ट किया गया, और अब ताजा हालात कैसे हैं? दुकानों पर मिठाइयां कैसे बन रही हैं और कैसे बिक रही हैं? क्या दुकानदारों द्वारा नियमों की पालना की जा रही है? ग्राहकों का इंतजार आखिरकार दुकानदार क्यों कर रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए और दुकानों का जायजा लेने के लिए समाचार एक्सप्रेस की टीम बुधवार को करनाल के कई क्षेत्रों में गई। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन लगातार चलता रहा, लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने वाला है, इस दौरान कई दुकानें बंद हुई, सारा शहर बंद कर दिया गया, फिर धीरे 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 करके ढील बरती गई और इस दायरे में अब कुछ मिठाई विक्रेता और डेयरी वालों को भी रियायतें दी गई हैं सरकार के द्वारा। और इसके रिगार्डिंग मेरे साथ बात करने के लिए इस समय कालाड़ा सिविल सेवा सेक्टर 13 में हैं, उनके संचालक मिस्टर बलविंदर कालाड़ा मौजूद है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका समाचार। नमस्कार सर। सर, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे लॉकडाउन हुआ था, एकदम से शटर्स भी डाउन हो गए थे, तो जो सामान आपके पास रह गया था उसको आपने कैसे डिस्ट्रॉय किया था? हमें जैसे ही लॉकडाउन का पता लगा, अब 21 दिन का लॉकडाउन सरकार ने कर दिया है, जबकि हमारा 22 को दुकान जो है पहले भी बंद थी, तो 23 को हम डी साहब को जाके मिले तो डी साहब ने कहा भी अभी आपको बंद ही रखना है। उसके बाद जो जैसे लॉकडाउन का 21 दिन हुआ, तो हमने आपस में दो चार जो हलवाई थे आपस में विचार करके, तो निर्मल कुटिया में बाबा जी से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे संगत दिन रात आती है, तो क्यों ना इसको खराब की बजाय किसी के मुंह में पड़ जाए। तो हमने 5-6 दिन लगातार जो भी मतलब हमारे पास मान था, हमने निर्मल कुटिया भिजवा दिया, अभी किसी के संगत के मुंह में पड़ जाए। इन्होंने ये जानकारी दी कि इन्होंने सामान को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन उस आपदा की घड़ी में जिनको ज़रूरत थी, खास करके निर्मल कुटिया में, इन्होंने वो सामान भिजवाया। लगातार एक सप्ताह तक वो कार्यक्रम चला ताकि ये मिठाई खराब होने से बच जाए, अच्छा है किसी के मुंह में लग जाए। अब मैं इनसे एक और जो बात जानने का, कालाड़ा जी, अब सरकार ने क्या रियायत दी? अब सरकार ने हमें शुक्रवार को 12:15 बजे जो हमारे प्रधान हैं सचदेवा स्वीट्स वाले, तो उनके पास फ़ोन आया था ADC ऑफिस से भी आप आओ, 2:30 बजे मीटिंग है डी साहब से। जब हम जाके मिले तो उन्होंने हमें, डी साहब ने और ADC साहब से दोनों से ही मीटिंग हुई, बैठ के बातचीत हुई, तो उन्होंने हमें 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम दिया जो स्वीट शॉप का है, और ऑनलाइन अगर करना चाहें तो सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक भी ले सकते हैं, लेकिन जो दुकान खोलने का टाइम है कस्टमर को देने का वो 8 से 2 है। रेस्टोरेंट थे उसमें हम स्वीट शॉप के संचालक जितने भी थे वो थे, प्लस बेकरी वाले थे और प्लस रेस्टोरेंट वाले थे, तो तीनों के मिला के लगभग 600 के करीब दुकानदार बनते हैं करनाल के अंदर। तो उनके प्रतिनिधि जाके डी साहब को मिले थे, तो उन्होंने मतलब डी साहब ने कहा भी आपके पास 7-8 हज़ार मुलाजम भी है तो सबको रोज़गार मिल जाए, उस वजह से उन्होंने हमें रियायत दी और ये किया कि आप ताज़ा ताज़ा माल बना के थोड़ा थोड़ा जो है पब्लिक को करो। बताया कि इनका शिष्टमंडल DC साहब से मिला था, ADC साहब से मिला था, उन्होंने यह आश्वासन दिया था और इनके साथ ये कुछ शर्तें भी कही थी कि आप इस तरह से ताज़ा सामान बनाएं और ताज़ा ही बेचें, और ताकि जो इनके पास लेबर है उसका भी काम चल सके, उनकी भी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। मैं इनसे एक और बात जानने का प्रयास करूँगा। सर, इस समय ग्राहकी का क्या माहौल है बाजार में? ग्राहकी बहुत कम है, पहले जैसे हमने देखा 6 घंटे खुलने के बावजूद भी अभी ग्राहकों में इस चीज़ का विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे हम लोगों का चलो क्वालिटी भी ठीक है, मालक की कृपा है, उसके बावजूद भी कस्टमर की मात्रा जो है बहुत कम है, तो इसलिए हम परमात्मा में विश्वास रखने वाले इंसान हैं, चाहते हैं भी आगे आगे जैसे जैसे विश्वास बनेगा होगा। एकदम तो जो चीज थी पटरी रुक गई थी, वो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है 6 महीने लगें, 4 महीने लगें, साल लगे, टाइम लगेगा इसके अंदर।
ऐसा भी मामला आपके सामने आया भी किसी ने अपनी मिठाई लॉकडाउन खुलने के बाद बेची हो, ऐसा कोई मामला सामने आया करनाल में? नहीं, करनाल में हमें कोई ऐसा नहीं लगा भी किसी ने मिठाई का कोई ऐसा काम किया हो भी बंद होने के बावजूद बिकी हो। बिकने का कारण यही रहा कि लोगों में अपने आप ही अवेयरनेस इतनी है कि लोगों को पता है कि बंद हो गया तो उसके बाद अगला मिठाई को तो खरीदता ही नहीं। बताया कि लॉकडाउन हालांकि चल रहा है और सरकार ने रियायत दे दी है, दुकान खोलने के लिए भी कह दिया है, लेकिन बावजूद इसके बाजार में ग्राहकों की कमी है, क्योंकि अभी तक जो ग्राहकों के मन में विश्वास नहीं हो रहा इनके प्रति। हालांकि इन्होंने यह भी जानकारी दी कि करनाल में कुछ इस तरह के 600 दुकानदार हैं, हर किसी दुकानदार ने उस मिठाई को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी ग्राहक को दी। तो ये इन्होंने यह बताया कि किस तरह से करनाल के दवा विक्रेताओं ने समझदारी का एक काम किया था। सर एक और चीज़ बताएं सर, ग्राहक अगर दुकान पर आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम? हमने सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ है और सभी को रिक्वेस्ट भी करते हैं भी मास्क, अगर किसी के पास नहीं होता तो उसको मास्क भी देते हैं भी मास्क लगा के रखें। वैसे मोस्टली जो एरिया हमारा सेक्टर का है उसमें लोग समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, अपने आप ही वो डिफरेंस भी रख के चलते हैं, और खोज करो 3-4 कस्टमर होते हैं तो 2 बार भी खड़े हो जाते हैं भी हमें बाहर ही पकड़ा देना। तो ये कह सकते हैं कि जनता खुद भी जागरूक हो चुकी है, खुद ही जागरूक है। अपील करना चाहेंगे आम जनता से आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें 40 साल से देख रहे हैं कि हमारी स्वीट्स जो है या दूसरा क्वालिटी पे आप लोगों को विश्वास है, आगे भी विश्वास रखें, और हम भी पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो रेट हमारे पहले थे वही रेट रहेंगे। एक तो हम लॉकडाउन के दौरान ये नहीं कि 5% 1 रुपया भी कोई बढ़ाएंगे, प्लस ये विश्वास दिलाते हैं कि क्वालिटी का पूरा से पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनका ये कहना है कि भले ही महामारी चल रही है लेकिन यह बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी भी व्यक्ति की जेब पर कोई भी अतिरिक्त भार पड़े। इनका सामान पहले की तरह शुद्ध मिलेगा, इनका रेट पहले की तरह रहेगा, किसी तरह की कोई वो नहीं होगी। हाँ, इन्होंने जरूर बताया कि रेस्टोरेंट फिलहाल बंद है, जो मिठाई ताज़ी बन रही है आप देख भी सकते हैं, ताज़ी बन रही है और ताज़ी ही बिकेगी। मैं तरुण मदन, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। समय हमारे साथ मौजूद हैं करनाल के वीर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बलवीर वीर जी, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। ये भी आप देख सकते हैं मार्केट में आए, मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी। सर, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी लॉकडाउन चल रहा है, आने वाले दिनों में लॉकडाउन की स्थिति कैसी होगी तो हमें बताएगा, इस दौरान आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने घर से कम निकलें और जहाँ तक हो सके अवॉइड करें और प्रिकॉशन पूरी ली जाएँ, ताकि बार बार हाथ धोया जाए, अपने मास्क पहन के बाहर आइएगा, ठीक है, और लोगों से कम 2 मीटर की दूरी जरूर बना के रखें। सर, आज आप भी मिठाई लेने आए हैं, तरस गए थे क्या? नहीं, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा 2 महीने से घर बैठा हुआ था, बहुत मन कर रहा था उसको। ये थे हमारे साथ डॉक्टर बलवीर जी, ये खुद लेने हैं कि इनका ये कहना है कि इनके बेटे लॉकडाउन के चलते 2 महीने से घर हैं, तो इसलिए ये बेटे के लिए मिठाई लेने आए हैं। तो उनका ये भी साथ साथ कहना है कि आप प्रिकॉशंस लेकर मार्केट में आ सकते हैं, आवश्यक हो तो ही मार्केट में, अन्यथा बाजारों में ना निकलें। मेरे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, ये भी डिलीवरी बॉय हैं और लोगों के घरों में सामान देने का काम करते हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या? नाम दीपक है सर। दीपक जी, आप भी लोगों के घरों में जाते हैं सामान के देने के लिए, सर कोई ऐसा वाक्य सामने आता है कि लोग कहते हैं भैया सामान रख के चले जाइए, ये आप बाहर से आए हैं, ऐसा कुछ होता है? यस, बिल्कुल आता है सर, ऐसा वाक्य लोग कई बार कहते हैं भाई हमारा सामान ही है, गेट पर रख के चले जाइए आप, हम अपना ले लेंगे। तो लोगों में कहीं ना कहीं डर लगा रहता है सर, आपको डर नहीं लगता? आप भी तो सड़कों पर रहते हो सारा दिन। नहीं नहीं सर, मेरा कोई डर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मास्क और सैनिटाइजर और मास्क और ग्लव्स सैनिटाइजर अवेलेबल होते हैं सर? अब जैसे डिलीवरी है, कितने आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं प्रतिदिन के हिसाब से? कोई एस्टीमेट नहीं है समय, कोई एस्टीमेट नहीं, रेगुलर आ जाते हैं? रेगुलर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, ये मान लो भगवान ना करे कोई अदृश्य बीमारी है, ये तो किसी को नज़र नहीं आ रही, आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ने या किसी कंपनी ने कोई ऐसा प्रावधान रखा भी कल को अगर आपको कुछ हो जाता है या आपको बीमारी लग जाती है तो उसके लिए क्या है, उसका इलाज कौन करवाएगा, ऐसी कोई शर्त रखी उन्होंने? रखी है सर, कंपनी ने रखी है शर्त इस चीज़ की, अगर जो आप बीमार होते हैं तो इसका इलाज हम करवाएंगे जी। देखिए सर, इनका कुछ और डिमांड है आपकी गवर्नमेंट से या कंपनी से? नहीं नहीं सर, संतुष्ट हैं पूरी तरह से? संतुष्ट हैं सर हम। सर, इनका ये कहना है कि कंपनी ने इनको पूरी तरह से ये कहा गया है गाइडलाइंस एडवाइजरी का पालन करके आप लोग जाएंगे लोगों के घरों में। हाँ, इन्होंने ये बताया कि कुछ लोग फोबिया के चलते कई बार ये कह देते हैं कि सामान आप प्लीज़ बाहर रख दीजिए, हम अंदर से उठा लेंगे, अपने आप उठा लेंगे, इनका ये भी कहना है। और दूसरा, इन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह सैनिटाइज होकर जाते हैं ताकि कस्टमर को कोई तरह की दिक्कत ना आए। और इन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ने इनको ये भी कह दिया है कि अगर कल को
इनको भगवान ना करे इनके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी इनके साथ खड़ी है, कंपनी इनको फुल सपोर्ट करेगी। मैं और जानने का प्रयास करूंगा, बात करने का प्रयास करूंगा। सर, आज सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु वालिया है। हिमांशु जी, आप कितने दिनों से कर रहे हैं लॉकडाउन में? कितने दिनों का आपको डिलीवरी वाला काम करते हो? सर, मैंने परसों से स्टार्ट की है। कल रूटीन में ऑर्डर आ रहे हैं? हाँ जी, ऑर्डर आ रहे हैं, पर स्लो है बहुत। सर, एक चीज बताइए, आप कहीं जाते हैं किसी घर में सामान रखने के लिए, सामान देने के लिए जाते हैं, कोई ऐसा वाक्य आपके सामने पेश आया कि किसी ने कह दिया कि भैया घर से बाहर रख दो सामान, गेट पर रख दो, अंदर से उठा लेंगे? जी, हमारे है कॉन्टेक्ट डिलीवरी है, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी है हमारी, तो हम वैसे ही करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं। कस्टमर को बोल देते हैं कि सर आपका ऑर्डर हमने यहाँ रख दिया, कस्टमर पहले हमारे को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई हाँ आप मेरा ऑर्डर इस जगह पे रख दीजिए, तो हम उधर ड्रॉप कर देते हैं और फोटो खींच के कस्टमर को बोल देते हैं कि सर हमने आपका ऑर्डर यहाँ रख दिया है, अब आप यहाँ से ले लीजिए। पिक सर, इन्होंने ये बताया कि कस्टमर इनको कहता है कि हमारा ऑर्डर यहाँ पर रख देना, कस्टमर वहाँ से अपने पिक कर लेते हैं। और इन्होंने एक और अच्छी बात बताई कि इनके द्वारा बकायदा फोटो खींचकर कस्टमर के नंबर पर भेजी जाती है कि आपका सामान हमने वहाँ पर रख दिया है, ताकि संतुष्ट हो जाए कस्टमर भी, ये ना हो कि कोई और उनका सामान उठाकर चलता बने। मैंने सर एक चीज़ और बताएं, अपनी सेफ्टी के लिए आप क्या क्या अपनाते हैं? सर, हम लोग पूरी तैयारी रखते हैं, हैंड सैनिटाइजर है हमारे पास, ग्लव्स हैं सर, हम 24 घंटे उसको हैंड्स को और अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, मास्क को सैनिटाइज करते हैं, हर तरीके की अपना सुरक्षा करके चलते हैं। सर, आपके ड्यूटी आवर्स कैसे हैं? सर, अभी तो 8 AM से 9 PM तक हैं हम लोग करते हैं। सर, कंपनी ने आपको कोई वायदा किया है कि अगर बाई चांस भगवान ना करे आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है या आप किसी संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं, तो उसमें उस दौरान कंपनी आपके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी? सर, 24 घंटे खड़ी है। सर, इनका भी यही कहना है कि अगर इनके साथ कोई दिक्कत आती है तो उस दौरान कंपनी इनके साथ 24 घंटे के लिए मौजूद है। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं करनाल में सेक्टर 13 से बंगला स्वीट के संचालक और ओनर। मैं सबसे पहले बंद से बात करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? शुभम गुप्ता। शुभम जी, मैं एक जानकारी चाह रहा था, जैसे अब कुछ ही दिन शुक्रवार के बाद आपकी शॉप्स ओपन हुई हैं, जिसमें गवर्नमेंट एडवाइजरी भी जारी करी है, सर क्या क्या एडवाइजरी जारी की गवर्नमेंट ने? सर, यही करिए कि सुबह 8 AM टू 2 PM हम काउंटर सेल कर सकते हैं, और 2 PM से 9 PM हमें अपना शटर डाउन करके सिर्फ जोमेटो और स्विगी को डिलीवरी देनी है, और कोई भी बंदा मतलब एंटर नहीं हो सकता शॉप में। तो इनका ये कहना है कि 8 से 2 तक दुकान खुलेगी, 2 बजे के बाद होम डिलीवरी का काम है। वो इन्होंने उस कंपनियों के नाम भी बताए हैं जिन कंपनियों के थ्रू डिलीवरी की जानी है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे एकदम से लॉकडाउन हो गया था, सब शटर डाउन हो गए थे सब मार्केट, ऐसे में आपकी शॉप्स में कुछ मिठाइयाँ बच गई होंगी, सर आपने इनका क्या किया था? सर, कुछ आइटम्स ऐसी होती है जो पेरिशेबल होती है, जो सिंगल डे चलती है, वो तो हमने उसी दिन डिस्पोज ऑफ कर दी थी। कुछ आइटम थी जो हमें लगा था कि 22nd के बाद खुल जाएगी शॉप, बट लॉकडाउन होने के बाद हमने सब अपना डिस्पोज कर दिया था। जो हमारी आइटम पेरिशेबल नहीं थी वो हमने आगे कहते हैं बांट दी, मतलब आगे चैरिटी कर दी उसकी। सर, इनका भी यही कहना है कि जो चीज़ें इनको लगता था कि सिंगल डे चलने वाली और वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इन्होंने तुरंत उन चीज़ों को जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको बांट दिया था। सर, एक चीज़ और बताइए, अब जो है बिक्री ग्राहकी का क्या हाल है? सर, अभी तो माहौल इतना भी नहीं है, लोग डरते हैं अभी बाहर सामान लेने से। कुछ लोगों के मन में ये भी बात है कि शॉप्स अभी खुली हैं, सब फ्रेश माल नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो लोग थोड़ा डरते हैं अभी, तो धीरे धीरे खुलेगा सब। सर, हमारे करनाल में तकरीबन आप जैसे 600 दुकानदार हैं, ठीक है सर, क्या ऐसा कोई वाक्य आपके संज्ञान में आया भी किसी ने पुरानी मिठाई बेचने का काम किया? सर, ऐसा तो कुछ नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शॉप ओनर किसी अपने कस्टमर को ख़राब करना चाहेगा पुराना माल बेच के। ठीक है सर, इन्होंने में बड़ी अच्छी जानकारी दी, इन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया कि करनाल के लोग बड़े समझदार हैं, करनाल की जनता जागरूक है, उतने ही जागरूक ये दुकानदार भी हैं। इन्होंने अपना सामान खराब करने की बजाय जरूरतमंद लोगों को बांट दिया, और ये जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इनकी दुकान पर अब जो भी सामान मिलेगा वो फ्रेश मिलेगा और उचित रेट पर मिलेगा। सर, एक चीज़ और बताइए शुभम जी, जैसे अब ये आपके पास लेबर थी, सर अब लेबर कम हुई है? सर, कुछ लेबर ऐसी होती है कि जो बाहर से आती है, अलग सिटीज से आती है, तो उनको भेज दिया था हमने लॉकडाउन होते ही, ताकि मतलब वो अपनी फैमिलीज के साथ रह सके ऐसे टाइम पर। सर, अब लेबर है आपको इस काम चलाने के लिए? हाँ सर, कुछ पसंद है, मतलब सारे नहीं हैं, बस ये कि हम आइटम्स अभी कमी बना रहे हैं, क्योंकि अभी पता नहीं आगे क्या गाइडलाइंस आएगी गवर्नमेंट की। सर, इनका ये कहना है कि ये थोड़ा सा ही सामान बना रहे हैं, क्योंकि इनको आगे की गाइडलाइंस का भी किसी को भी ज्ञान नहीं है आने वाले दिनों में क्या होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा या कम होगा या बंद हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ये आने वाले समय बताएगा। मेरे साथ एक और अंकल मौजूद है, मैं इनसे बात करने का। अंकल जी, आप जनता से क्या अपील? जनता से अपने घर पर रहो, खुश रहो, सब यही अपील है।
जो ग्राहक आते हैं आपकी दुकान पे सर, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या आपके पास है? हैंड वॉश के लिए रखा हुआ पानी, अंदर सैनिटाइजर रखा हुआ हमारे पास। आपकी दुकान में अगर ग्राहक आता है तो हैंड वॉश भी कर सकता है, सैनिटाइज भी कर सकता है, हर चीज़ और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हर उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अब ये दुकानदारी कर रहे हैं। 8 से 2 तक ये दुकान खोल सकते हैं। 2 बजे के बाद इनके पास होम डिलीवरी की परमिशन भी है। कुछ निर्धारित कंपनियों के साथ इनका टाई है जिनके तुरंत जिसके साथ ही अपना सामान दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इन्होंने यह भी जानकारी दी कि लोगों के मन में संशय है, कहीं ना कहीं डाउट है कि कहीं अभी फ्रेश माल प्रोवाइड नहीं करा रहा, लेकिन इन्होंने भी साफ कर दिया है कि यहाँ करनाल में कहीं पर भी ऐसा कोई वाक्या सामने नहीं आया कि जहाँ पर ग्राहक को गलत सामान दिया गया हो और ग्राहक ने उसकी शिकायत किसी आला अधिकारी से की हो। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद। करनाल में कोरोना के कुल 15 केस सामने आए हैं, जिनमें से 5 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 1 की मृत्यु हो चुकी है और बाकियों को आदेश मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि करनाल में अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं वह सभी के सभी बाहर से आए हैं, यानी कि सभी पॉजिटिव व्यक्ति कुछ ना कुछ समय करनाल से बाहर व्यतीत करके आए हैं, यानी कि वो लोग कोरोना को इंपोर्ट करके आए हैं, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिलहाल करनाल की स्थिति क्या है और प्रशासन द्वारा निकट भविष्य के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, इसके अलावा सरकार के जो नए निर्देश आए उन्हें किस तरह से अमल में लाना है, इसके लिए समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल के सिविल सर्जन से विशेष बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, और इस समय हमारे साथ विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी आहूजा हमारे साथ हैं, जो जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कोरोना करनाल जिले में कोरोना के क्या हालात हैं और हालातों को काबू में करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे प्रयास किए और क्या क्या प्रयास आगे जारी रहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, करनाल जिले में क्या हालात हैं? कोरोना महामारी के तहत करनाल जिला में अब तक टोटल 15 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव डायग्नोज हो चुके हैं। एक कल लास्ट जो 15वां पेशेंट है वो कल डायग्नोज हुआ था और 15 में से 5 ठीक होके घर भी जा चुके हैं। 9 पेशेंट आज की डेट में आदेश मेडिकल कॉलेज भेजे हुए हैं। 1 की हमारे पेशेंट की अनफॉर्चुनेटली पहले भी डेथ हो गई थी PGI चंडीगढ़ में। अब तक कल साये तक हमने 2900 सैंपल टेस्ट कर लिए थे और उनमें से 100-150 टेस्टों की रिपोर्ट डेली आ रही है। उनमें से हमारे पास 2800 के करीब रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और बाकी सैंपलों की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। हमारे पास PGI चंडीगढ़ से या रोहतक से भी 21 रिपोर्टें टेस्ट होके आ चुकी हैं, जो चेस्ट सिम्टोमेटिक कैटेगरी के उन हॉस्पिटलों में किसी कारण से इलाज कराने गए थे तो उनका वहाँ पे भी जो टेस्ट किया गया वो भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं। कोरोना महामारी के तहत जो भी माइक्रो प्लानिंग के अनुरूप हम जो जिला करनाल में कार्य कर रहे हैं उसके तहत अभी तक जो सबसे पहला केस ज्ञान सिंह डायग्नोज हुआ था रसीन का, उसके बाद से लेके अब तक कोई भी पॉकेट ऐसी नहीं है जो क्लस्टर या हॉटस्पॉट के रूप में समझ में आती हो या प्रतीत होती हो। हमने मैपिंग भी कर रखी है और इस मैपिंग के तहत ये मैपिंग है, इसमें हमने ये कलर थोड़ा अलग है, इस मैपिंग के तहत हमने दिखा रखा है कौन सा पेशेंट कहाँ से आया था। हमारे यहाँ 15 पेशेंटों में से सभी के सभी बाहर से इन्फेक्शन इंपोर्ट करके जिला करनाल में आके डायग्नोज हुए हैं। वो कभी न रहने वाले यहाँ के हैं, किन्हीं कारणों से वो बाहर गए। बाहर जाने के बाद जैसे अब हमारा रामनगर और पृथ्वी विहार में जो पेशेंट्स आए थे, उत्तम नगर में जो पेशेंट्स आए थे, वो दोनों के दोनों 4-4, 5-5 दिन दिल्ली रह के आए थे। कल जो पेशेंट आया इधर वो भी दिल्ली 6 दिन लगा के आया, तो वो इन्फेक्शन इम्पोर्टेड केस हैं। करनाल में अपना, करनाल की जनसंख्या का अपना किसी ब्लॉक या शहर में कोई ऐसा पेशेंट डायग्नोज अब तक नहीं हुआ।
और फॉरेन ट्रैवलर जो कि 1012 टोटल हमारे पास रजिस्टर्ड हुए थे जब तक फ्लाइटें चल रही थी, उस दिनों तक 1012 में से एक ही पेशेंट पॉजिटिव आया था बिरजपुर गांव से। वो सेकंड सैंपल टेस्ट जब किया गया उसको 5 दिन के इलाज के बाद वो भी बिल्कुल ठीक हो गया था और वो अब टचवुड बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोरोना इस महामारी के तहत जितने हमारे पेशेंट्स हैं उनका हमने कब ये डायग्नोज हुए, कब वो पॉजिटिव मतलब टेस्ट पॉजिटिव आए, कब वो नेगेटिव टर्न हुए, उनके बाद उनको होम क्वारंटाइन भी हो गया। अब कंटेनमेंट जोन जैसे रसीन बनाई थी, शेखपुर सुहाना बनाया था, तरावड़ी बना था और इधर अशोका कॉलोनी बना था, इनको हमने डी कंटेन भी कर दिया क्योंकि वो 28 दिन तक जब तक वहाँ पे हमने सर्वे किया कोई नया पेशेंट नहीं था या किसी को फ्लू के सिम्टम्स नहीं थे, वो हमने 5 जोन भी डिक्लेयर कर दिए हैं डी कंटेनमेंट, कंटेनमेंट बना के डी कंटेन कर दिया, डी एस्केलेशन बोलते हैं वो भी कर दिया हमने। अभी जो हमारे एक्टिव बने हैं उन पे हमारा सुपरविजन डेली चल रहा है, कोई भी सभी ब्लॉक लेवल से हम रैपिड टेस्ट किट भी हमने टेस्ट किए हैं, 130-135 के करीब हम टेस्ट कर चुके हैं, उनमें भी कोई भी ऐसा कोरोना पॉजिटिविटी का पेशेंट नहीं मिला। तो तैयारियों के तहत अब कल्पना चावला पहले प्योरली कोरोना हॉस्पिटल डेडिकेटेड हॉस्पिटल काम कर रहा था, बट भारत सरकार के ऑर्डरों के तहत आदेश मेडिकल कॉलेज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है। तो हमारा जो भी पेशेंट पॉजिटिव आएगा तो उसको वहाँ रेफ़र किया जाएगा, प्रोवाइडेड वो मॉडरेट कैटेगरी का हो, उसके अंदर लक्षण हो, मॉडरेट कैटेगरी का हो या सीवियर कैटेगरी का होगा तो वहाँ जाएगा, मॉडरेट का होगा तो कल्पना चावला में एडमिट होगा। अभी भारत सरकार और हरियाणा प्रदेश की सरकार द्वारा कल ही नई गाइडलाइन भी आई हैं कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो यदि कोई पॉजिटिव आ जाता है तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम उसको होम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके पास घर में सारी वो होम क्वारंटाइन करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो तो हम पेशेंट को उसी के घर में भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें या 10 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें। वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा तो हम उसको घर पे ही रख के 10 दिन बाद या 14 दिन बाद एसिम्प्टोमेटिक या एफेब्राइल, उसको 3 दिन से पीछे बुखार नहीं आएगा तो हम उसको घर पे ही बिना टेस्ट किए भी रख सकते हैं। अब ये सरकार की गाइडलाइन है, इस पे इसके तहत आज हम अभी डायरेक्टर कल्पना चावला, सिविल सर्जन और WHO सर्विलेंस ऑफिसर भी हमारे आए हुए थे, तो उन तीनों की डिप्टी कमिश्नर के साथ सुबह मीटिंग भी थी, वही लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार अब हम आगे कैसे इसको प्लान करने वाले हैं, क्योंकि हमारे शहरों में भी जो क्लस्टर या जो क्या बोलते हैं स्लम एरिया हैं इनमें छोटे छोटे घर हैं, या तो घर हैं या घर नहीं भी हैं, तो उनको वहाँ कंटेनमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो माइल्ड है चाहे वो केस एसिम्प्टोमेटिक है। तो इस टाइप के केसेस को रखने के लिए हमने कौन सी फैसिलिटी तैयार करनी है वो विद टाइम तैयार करेंगे, तब तक जैसा चल रहा है कल्पना चावला सैंपल टेस्ट करेगा, चाहे सैंपलिंग हम मोबाइल टीम के बाहर से लेके आएंगे तो भी टेस्ट यहाँ होंगे, और इनको जब तक रिपोर्ट आएगी वो अपने पास रख के रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव है सिम्प्टोमेटिक है तो उन्होंने डिसाइड करना है कि पेशेंट कहाँ रखना है। यदि पेशेंट को हमने सैंपल को मोबाइल टीम सैंपल लेके आएगी यहाँ टेस्ट करवा दिया और वो टेस्ट नेगेटिव है, मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव है, तो हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट लेके आके चेक कराना है कि वो यहाँ रखना है या वापस घर क्वारंटाइन कर, उसमें ये इस तरह से प्लानिंग की गई है, 1-2 दिन में कार्यान्वित की जाएगी। ये थे करनाल के सिविल सर्जन, जो पिछले काफ़ी दिनों से जब से कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी है तब से दिन रात जुटे हुए हैं जनता को जागरूक करने में, और इस बीमारी करनाल में आज सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि करनाल में जितने भी केसेस आए हैं सबके सब बाहर से आए हैं,
करनाल का कोई भी इंडिविजुअल कोई भी सिंगल केस भी नहीं अभी तक आया, ये करनाल के लिए बड़ी राहत भरी बात है। इसके अलावा इन्होंने हमें पूरी विस्तार से जानकारी दी कि आगे सरकार के आदेशों की किस तरह से पालना की जाएगी और इन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।